अस्सलाम वालेकुम। अब ये काम वन, असाइनमेंट नंबर टू स्टार्ट करते हैं। चेंज द फॉलोइंग नरेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझाए जाएंगे। इससे पहले आपको एक अलग क्लास में भी समझा दिए गए थे। तो चेंज द फॉलोइंग नरेशन, फर्स्ट टाइम पहले सेंटेंस पर आए। शी सेड आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। आपको शुरू में बताया गया था कि जब सेड लिखा जाएगा तो उस सेड के लिखने की वजह से अंदर के टेंस में तब्दीली हो जाएगी, यानी इसको प्रेजेंट से पास्ट में बदल देंगे। अगर आप सेड देखें तो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो या इसमें एम तो नहीं लिखा, लेकिन वो भी आप देख लेंगे। आई एम लाइंग के बाहर दरअसल ये जेरन के भी कैटेगरी में आ रहा है, तो इसकी वजह से बहरहाल ये प्रेजेंट टेंस के ही काउंट किया जाएगा, तो आपने इसको पास्ट टेंस के हिसाब से तब्दील करना है। नंबर टू में शी सेड टू मी यू कैन कम टुमारो। कैन ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है, सेड पास्ट टेंस की, तो इसी तरह आपने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। नंबर थ्री द बॉय सेज टू हिम आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टुमारो। यानी आप यहाँ पे देखें जो सेज है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट की पहचान है, और विल से नंबर फाइव सेंटेंस वो भी प्रेजेंट इनडेफिनिट, फोर विल से प्रेजेंट जो आपके पास फ्यूचर इनडेफिनिट है, फोर और फाइव फ्यूचर इनडेफिनिट जबकि थ्री प्रेजेंट इनडेफिनिट है। तो इसके मतलब एक आपको बताया गया था कि क्या तब्दीली के रूल्स हैं, तो किस तरीके से आप इसमें तब्दील करेंगे। तो बहरहाल आखिरी तीनों की जो कैटेगरी है वो तकरीबन एक जैसी है, और इसी तरीके से ना आपने टेंस में तब्दीली लेकर आनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से आपने टेंस में बदलना है, और इसमें कोई अगर इश्यूज़ होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर जी ना। अब हम आते हैं नंबर टू क्वेश्चन, राइट डाउन इन योर सेंटेंसेस विद दीज एडियोमेटिक और फॉर्मल फ्रेसेस। नंबर वन है अ बर्ड्स आई व्यू, इसका बहुत वाजह मतलब है कि सरसरी सी नज़र, सरसरी सा जायज़ा, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप देखते हैं तो उसका अपने मफहूम में मुख्तसर जो आगे कहानी बयान की जाएगी उसको आप कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। अ ब्लू स्टॉकिंग, वज़ादार रख रखाव रहने वाली खातून, अपने तौर पर इसको सर्च भी कीजिएगा और बताइएगा क्या इसमें सेंटेंस ठीक है या क्या नहीं है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन, फसाद की जड़, बर्निंग क्वेश्चन, वो मामले वो इश्यूज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा जेर बहस हैं उसको बर्निंग क्वेश्चन कहा जाता है। और नंबर फाइव में आए या डॉग हॉर्स मीन छुपा रोस्तम, इसके आप मीने खुद भी सर्च कर सकते हैं और इसी हिसाब से फिर आपने जो उसमें मायने वाजे हो सेंटेंस इस तरह बनाइएगा कि उससे मानी वाजे और क्लियर हो जाए ताकि समझने में आसानी हो कि आपका जो वर्ड है जो सेंटेंस है वो क्या मायने रखता है, पेचीदगी नहीं होनी चाहिए, इस तरह आपको बासानी ये समझ आ जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की जाने। अब ये स्टूडेंट नंबर थ्री क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राइट डाउन अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपके बी कॉम में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन है वो ज़रा प्रेसी का ही है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, थ्रू द ब्रेक बिटवीन द ट्रीज शी लुक्ड इनटू वन ऑफ द लाइटेड विंडोज अबव द शॉप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपने इसको तीन चार दफ़ा पढ़िएगा, तर्जुमा बहरहाल मैं सुना देता हूँ, फिर भी आपने इसको तीन चार दफ़ा पढ़ना है, जो आपके जहन में मफहूम बनता है उस मफहूम को आपने वन थर्ड प्रेसी में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, यानी दोबारा से, थ्रू द ब्रेक बिटवीन द ट्रीज, दरख्तों में दरमियान में गैप है, ब्रेक मीन थोड़ी सी जगह है, उसने देखा। शी लुक्ड इनटू वन ऑफ द लाइटेड विंडोज अबव द शॉप, दुकान के ऊपर चंद रोशन खिड़कियों की जानिब उसने देखा। शी कुड सी द कर्टन्स ऑफ बिस्किट्स नीटली पाइल्ड नियर द फार वॉल, दूर दीवार के करीब उसने बिस्किट के कर्टन यानी डब्बों को देखा जो तरतीब से सफाई से रखे गए थे। अगेंस्ट हर कॉन्शियस, अपने ज़मीर के बरखिलाफ, विशेस जो उसकी ख्वाहिशात थीं, साइजेस सेलिवरी ग्लैंड स्टार्टेड पंपिंग फ्लूड इनटू हर माउथ, यानी उसके जो लुआब के ग्लैंड्स थे उसके मुंह में माया भरना शुरू कर दिया, यानी उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया बिस्किट देखने के बाद। शी फेल्ट हर बीटिंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द टॉप ऑफ हर थ्रोट इन द बैक ऑफ हर माउथ, उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो गले के ऊपर और उसके मुंह के पीछे आ चुकी है, यानी उसका दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था वो बिस्किट खाने को। तो अब ओवरऑल इसका मफहूम ये बनता है कि उस लड़की ने दूर से एक दुकान को देखा जिसमें खिड़की में रोशनियाँ जगमगा रही थी, बिस्किट के कुछ पैकेट या डब्बे रखे थे जिसको देख के इसकी भूख बेनतहा बढ़ गई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भूखी थी और उसके मुँह में शदीद पानी आना शुरू हो गया। तो ये हो गया इसका उर्दू तर्जुमा। इस तर्जुमे को बार बार सुनिएगा, इस ही तर्जुमे को आपने वन थर्ड दोबारा से रीट्रांसलेट करना है ताकि इसकी प्रॉपर अंदाज में आप प्रेसी बना सकें, और इसके बाद जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप इसको इंग्लिश में रीट्रांसलेट करके प्रेसी बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी और इसके जो क्वेश्चन वो समझ आए होंगे। फिर जो कुछ इश्यूज़ होंगे आप बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।